गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग लाइव। दोस्तों ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है, तो दोस्तों प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिए, और जितना जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि दोस्तों लाइक से मोटिवेशन मिलती है। चलो और एक वीडियो बनाते हैं। कमेंट से मुझे पता चलता है कि ये गलती की है, चलो वो गलती अगले वीडियो में सुधार दूंगा। तो दोस्तों मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों चलिए इतने से मैं अपना पहला वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों दुनिया में जानवरों की कोई कमी नहीं है, और उन जानवरों में खतरनाक जानवरों की कोई कमी नहीं है। तो पहले हम शुरू करते हैं 10 दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर जो साल में 7 लाख से भी ज्यादा मार देते हैं। दोस्तों सुन के यकीन नहीं होगा पर सच में होता है, ये हो चुका है, तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों दुनिया के 10 सबसे ताकतवर खतरनाक जानवरों में से सबसे पहले आता है मस्कीटोस, यानी कि मच्छर। आपको लग रहा है अरे यह मच्छर तो है, एक काट दो मार दो चलो मर गया, लेकिन दोस्तों ये दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि इसने दुनिया में एक साल में 7,50,000 लोगों को मारने का रिकॉर्ड बना लिया है। 7,50,000 दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है पूरी दुनिया में। और ये सब मरते हैं कैसे है? जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लू, इन्हीं सब डिजीज की वजह से हम लोग मर जाते हैं। और तो दोस्तों दूसरे में आते हैं ह्यूमंस, यानी हम इंसान ही इंसानों के दुश्मन हैं। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते ही हैं, हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा चलता है, खान काट चलता है वो सब। तो दोस्तों ह्यूमंस एक साल में 4,50,000 लोगों को मार देते हैं। कौन से लोग हैं? जो गैंगस्टर होते हैं, सुपारी किलर्स, आप लोग सब तो समझ ही पा रहे हैं ना, होमिसाइड उन्हें कहते हैं। होमिसाइड का स्पेलिंग होता है HOMICIDE। तो होमिसाइड्स जो होते हैं वो एक साल में पूरी दुनिया में 4,50,000 लोगों को मार देते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है हमारा सबसे करीबी दुश्मन, यानी दोस्तों सांप। सांपों के बारे में तो आपको कुछ डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं है, वो फिर भी ये साल में 1,38,000 लोगों को मार देता है। यानी समझ है ना, दुनिया में 1,38,000, उससे ज्यादा तो उनकी प्रजाति है पर उससे ज्यादा हम वो मारते हैं। और दोस्तों उसके बाद आते हैं डॉग्स। दोस्तों कुत्ते हमारे दोस्त होते हैं पर कुछ कुत्ते दुश्मन भी होते हैं, जैसे कि जंगली कुत्ते जिनके प्रजाति को हम बोलते हैं रेबिस। और दोस्तों ये रेबिस जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, ये झुंड में घूमते हैं और शिकार करने के बाद शिकार को पूरा खत्म कर देते हैं, खून भी नहीं गिरता और शिकार ऊपर से खाना भी हो चुका होता है उनका। और दोस्तों ये साल में तकरीबन अब 60,000 लोग, मतलब 60,000 लोगों को मार देते हैं पूरी दुनिया में रेबिस नाम के कुत्ते से। बच के रहिए दोस्तों, ये कुत्ते हमारे आसपास भी होते हैं पर हमें नहीं पता होता, इन्हें हम जंगली कुत्ते ही बुलाते हैं नॉर्मली, ऑब्वियसली हम जंगली कुत्ते ही इन्हें बोल सकते हैं। और दोस्तों इनके बाद आते हैं असैसिन बग्स। दोस्तों असैसिन बग्स बहुत ही खतरनाक नाम जीव है, जो एक छोटा सा बग है। हम पोकेमॉन तो कार्टून देखा ही होगा आप लोगों ने, उसमें लेडी बर्ड नाम का एक छोटा सा पोकेमॉन होता है, वो पोकेमॉन है असैसिन बग्स। हम उसी की तरह दिखता है बट इतना कलरफुल नहीं है, वो बहुत काले रंग का है। और जो मारता है उन्हें, जैसे मच्छर हमें लोगों को मारते हैं वैसे ही वो मारते हैं छागैस नाम के एक डिजीज से, जो कि बहुत खतरनाक डिजीज है। जैसे हमें तो वैसे नहीं पता कि ये डिजीज थे इसके लक्षण क्या है, पर आप लोग अगर चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और दोस्तों ये साल में 10,000 लोगों को मार देते हैं। 10,000 दोस्तों बहुत बड़ी कीमत है, हम 10,000 रुपये को कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, 10,000 लोगों को तो ये साल में अपने आप मार देते हैं, बहुत डेंजर से दूर रहिएगा ऐसे। और पांचवा नंबर पे है स्कॉर्पियंस, यानी कि बिच्छू। दोस्तों अगर मेरे पास कोई बिच्छू आएगा तो मैं उसे पीछे पीछे होकर 2 मीटर की दूरी बना लूंगा, 2 गज की दूरी जो है नियम की जरूरी।
कोरोना से तो 2 मीटर की दूरी बन चुकी है, पर मैं बिच्छू से 2 मीटर की दूरी जरूर बनाऊंगा। उसके साथ साथ अगर 4 मीटर की बनानी हो तो अभी मैं बना लूंगा। और दोस्तों, ये स्कॉर्पियो साल में 3,300 लोगों को मार देते हैं, बहुत दर्द होता है भाई, जहरीले होते हैं। बिच्छू को जहां भी देखो दूर रहो। आप सबसे ये मेरी निवेदन है। और उसके दो बाद आते हैं दोस्तों क्रोकोडाइल्स। दोस्तों क्रोकोडाइल्स हमारे 7वें नंबर पे हैं, और क्रोकोडाइल्स वैसे तो हमारी नदियों में रहते हैं, पर उन्हें उनसे दूर रहना ही सही होगा। जूस में भी रहते हैं, पर जूस से हम उन्हें ऊपर से देखते हैं, इसलिए बहुत हमें कुछ नहीं कर सकते। क्रोकोडाइल्स की वैसे तो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, और उनमें से कुछ प्रजातियाँ विलुप्त भी हो चुकी हैं, जैसे जिनके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो हमें बताएं कमेंट में, मैं आपके लिए उन विलुप्त क्रोकोडाइल्स की प्रजातियों के बारे में भी बता दूंगा। कोई बात नहीं है दोस्तों, आप जो भी बोलना चाहें, मेरी जो भी गलती हो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्रोकोडाइल्स साल में 1,000 लोगों को मार देते हैं। ये दोस्तों इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। अफ्रीका में क्रोकोडाइल्स और ऐसे जानवरों की कमी नहीं है, बट इंडिया में भी कमी नहीं है, आप लोग देख के जान सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों एलिफेंट्स। दोस्तों हर जंगल जहाँ पे हाथी वहाँ पे, कौन सी छोटी बड़ी बात है ये। लेकिन दोस्तों इन हाथियों की भी, अगर हाथी पागल हो जाइए जंगलों में जाए, हम तो बेहतर फिर भी 1-2 महीनों में न्यूज आती रहती है कि जंगल से हाथी गया, एक ट्रेन को उल्टा दिया और वरना एक गांव को उजाड़ दिया। उनमें बहुत लोग मारे जाते हैं, कई घायल होते हैं, और दोस्तों फिर भी ये लोग मार देते हैं साल में 600। इंडिया में जंगलों की कमी नहीं है, और जंगलों में आदिवासियों की भी कोई कमी नहीं है, और इसलिए ये लोग हमें मार देते हैं। और 9वें नंबर पे है हिप्पोपोटामस, यानी इसे हम हिप्पोस भी कह सकते हैं, जो कि हमारा है गेंडा। अलग अलग आते हैं गेंडा, राइनोसोरस या हिप्पोपोटामस, पर गेंडो से ये हिप्पोपोटामस ज्यादा खतरनाक है, यानी डेंजरियस है, इसलिए तो मैंने इसे अपने लिस्ट में डाला है 9वें नंबर पर। पर फिर भी चलिए देखते हैं इससे कितने लोगों मारा है। इसने 500 लोगों को एक साल में मार देता है। और उसके बाद आते हैं लायंस। दोस्तों एक साल में 200 लोगों को मार देते हैं लायंस। जंगल इंडिया और अफ्रीका में लायंस की कमी बहुत बिल्कुल नहीं है, फिर भी लायंस के पास हम लोग कोई जाते नहीं है। तो दोस्तों अगर फिर भी साल में 200 ह्यूमंस को पर ईयर मार देते हैं, तो खतरनाक तो हुए ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर सकते करें। और दोस्तों इसके साथ ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अलविदा।